टॉप थ्री बेस्ट एआई कॉइन जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ, वो कुबेर का खजाना ही है। अभी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाले एक साल डेढ़ साल में वो इतनी वैल्यू गेन कर सकते हैं कि आपको तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि क्रिप्टो में एआई का भी इतना बड़ा रोल नहीं है या इतना बड़ा यूज केस नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे देखो आप, एआई की बहुत ज्यादा हाइप हो रही है। चैट जीपीटी वगैरह ये टूल है एआई के, वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। तो इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो में भी एआई को लेकर कुछ ना कुछ होगा, हाइप होगी, तो अपन को उसका बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी वेब थ्री में एआई का भी रोल रहेगा, तो आप क्या करिए, जो बढ़िया बढ़िया एआई के कॉइन है उनको होल्ड करके रखिए। मैं आपको जो दो तीन कॉइन बताने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त यूज केस के हैं, अपन को इनको लेके होल्ड करना चाहिए। तो कौन से कॉइन है एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले नंबर वन कॉइन की बात करते हैं, वो है ओशियन प्रोटोकॉल। बहुत ही तगड़ा यूज केस है इसका, वेब थ्री फोकस्ड प्रोजेक्ट है और ये डाटा बेस्ड है। जैसे कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसेस हो गए, कंपनीज हो गई, वो डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही तगड़ा यूज केस है और आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। तो ओशियन प्रोटोकॉल बहुत ही जबरदस्त वैल्यू गेन करेगा, तो अपन को इसको लेके होल्ड करना चाहिए। यहाँ इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 46 सेंट के अराउंड। और टारगेट्स है ना, अपन लंबे लेके चलेंगे, छोटे टारगेट्स नहीं रखेंगे। यहाँ पे बात करें तो $1 से लेकर $1.50 के टारगेट्स रखने हैं आपको, और यहाँ पे जब भी प्राइसेज आए प्रॉफिट बुक करके निकल लेना। अब दूसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है आरएलसी नेटवर्क। ये भी सेम वैसे ही है, डाटाबेस प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत तगड़ा वैल्यू गेन कर सकता है। इसमें यूजर डाटा मोनेटाइज तो कर ही सकते हैं, इवन ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो आने वाले टाइम पे ये भी वैल्यू गेन करेगा, तो अपन को बहुत तगड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। इसका टोकन की अभी प्राइस की बात करें तो $2 के राउंड चल रहा है और टारगेट्स होंगे $5 से लेकर $6 के राउंड। यहां तक अपन को प्रॉफिट बुक कर लेना है, और ये इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अपन इतना ही टारगेट लेके चलेंगे, $5 से $6, ठीक है। अब तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है जीआरटी द ग्राफ। ये तो बहुत ही जबरदस्त कॉइन है और इससे अपन ने बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट भी लिया था, 250% से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिया था ये। और अभी यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती इसकी, ये और भी भयंकर जाने वाला है। अपन को यहाँ पे और लेके रखना चाहिए, या फिर आपने सेल नहीं करा है तो होल्ड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसका यूज केस ही बहुत ज्यादा यूनिक है। जैसे गूगल है ना, वेब पे डाटा इंडेक्स करता है ना, वैसे ये ब्लॉकचेन पे डाटा इंडेक्स करता है, जैसे बड़े बड़े नेटवर्क हो गए, इथेरियम वगैरह। तो इसका ये बहुत ही तगड़ा यूज केस है और आने वाले टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, वेब थ्री पे भी फोकस्ड है। तो अपन को क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है। करंट प्राइस की बात करें तो 16 सेंट के अराउंड है, टारगेट्स लंबे होंगे 80 सेंट से लेकर $1 के अराउंड, और ये इतना जा भी सकता है, इवन इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन अपन को 80 सेंट से $1 के अराउंड प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। और ऐसे तो है नहीं कि ये भी थोड़े दिन में चला जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन तगड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। बहुत ही यूनिक यूज केस है इसका। तो मैं आपको जो तीनों कॉइन बताया हूं, तीनों कॉइन बहुत ही जबरदस्त एआई कॉइन है और आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अपन को अभी क्या करना चाहिए, लेके होल्ड करना चाहिए। और आप एक काम करना, अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 70% ही अमाउंट लगाना है। जितना भी आप अमाउंट लगाने चाहते हो ना, वो 70% लगा लेना, और 30% अमाउंट आप रहने देना कि अगर मान लो बिटकॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो वो 30% अमाउंट डिप्लॉय कर देना। और अपन यहाँ पे थोड़े दिन के तो लेने वाले हैं नहीं, लंबे टाइम के लिए लेने वाले, तो यहाँ पे परेशान होने की तो जरूरत है ही नहीं। तगड़ा प्रॉफिट लेना है तो थोड़ा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।